वेलकम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 फाइंड। यहाँ पर आपको 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपके टोटल पार्ट हैं 12, ठीक है। तो 7 के बाद वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 पार्ट रखे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके 8 से लेके 12 तक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 1.3 इंटू 10, ठीक है। चलिए जिस किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। 1.3 इंटू 10, ठीक है। देखिए यहां से आपका पॉइंट हटेगा तो आपका 13 बनेगा अपॉन, पॉइंट के बाद आपका क्या है वन डिजिट है तो आपका 10 मींस 10 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 10, ठीक है प्यारे बच्चों, 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30, ठीक है। आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 13 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आएगा, फिर से अपॉन 10 करेंगे उसके बाद 0 0 काटेंगे तो वह भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपका है 36.8 इंटू 10, इसको क्या करेंगे, पॉइंट आप हटाओगे तो 36.8 आपका ये बचेगा 368, पॉइंट के बाद आपका 100 था ना तो 10 वाला आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 368, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या आपका 153.7 इंटू 10, ठीक है। देखिए पॉइंट आपका यहां पर हट जाएगा तो 1537 अपॉन, पॉइंट के बाद आपका वन डिजिट है ना तो आपका ये आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे 1537 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड पार्ट हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 168.07 इंटू 10, ठीक है। चलिए पॉइंट आपका हटेगा 168.07 आपका आएगा अपॉन, पॉइंट के बाद आपके टू डिजिट है ना तो 20 वाला आएगा मीन्स 100 आएगा आपका इंटू 10। आप जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आपका यहां पर हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बचा 1687 अपॉन 10 बचा आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 10 आपका अभी भी है तो पीछे से 1 डिजिट बाद आपका क्या आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर 20 होती तो पीछे से 2 डिजिट बाद आपका पॉइंट आ जाता मींस यहां पर आ जाता। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 31.1 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू, तो देखिए पॉइंट के बाद आपका ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, अपॉन वन डिजिट है आपका तो 10 इंटू 100, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब 311 का मल्टीप्लाई आपको 10 में करना है तो 10 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर लिख दीजिए और बाद में 10 लगा दीजिए। 100 का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर बाद में 20 लगा देते हैं। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है आपका 156.1 इंटू 100, ठीक है। चलिए पॉइंट आपका हटेगा 161 अपॉन, पॉइंट के बाद आपका वन डिजिट है तो 10 वाला आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। देखिए 10 से 10 कैंसिल करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपको 10 में करना होगा था तो वही नंबर आप लिखिए और लास्ट में 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है, 3.60 इंटू 100, ठीक है। तो ये नंबर उतारेंगे आप अपॉन,
पॉइंट के बाद आपका 200 है ना, तो 20 वाला आ जाएगा, मीन 100 आ जाएगा इनटू ये आपका 100 आएगा, ठीक है। क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो वही नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 362। ये आपका हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 से लेकर 7th पार्ट मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, 8th to 12th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा 5 मिनट का ही था, तो मैंने सोचा कि इसमें ही आपके सारे पार्ट सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो चलिए 8th पार्ट इसी में देखते हैं। 43.07 इंटू 100, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है ना, तो नीचे क्या आएगा, 20 वाला आ जाएगा, मीन 100 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। चलिए देखिए 100 से 100 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो गया आपका 4307, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया आपका। देखते हैं 9th पार्ट, 0.5 इंटू 10, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है, तो 10 वाला आपका आ जाएगा, मीन 10 आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा आपका 5 आ गया, ठीक है। चलिए 10th पार्ट देखते हैं, 0.08 इंटू 10, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है ना, तो यहां पर ओनली 8 लिखेंगे, 08 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 08 से 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है ना, तो आपका 20 आ जाएगा इंटू 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, आपका क्या बचा, 8/10, ठीक है। अब देखिए 10 है ना, तो आपको पीछे से 1 डिजिट बाद ही पॉइंट लगाना है, तो आपका पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप 0 लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से 0 आप लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 लगाते हैं जिससे कि थोड़ा सही लगे, ठीक है। ये रूल्स भी होता है कि आपको 0 लगाना भी पड़ता है। 11th पार्ट देखेंगे, 0.9 इंटू 100, ठीक है। तो 9/10 रहेगा इंटू, ठीक है, 100 है आपका, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 10 वाला आपका आया, 00 कैंसिल हो जाएगा, और 10 9 जा 90, ठीक है। चलिए 12th पार्ट देखते हैं, 0.03 इंटू 1000, ठीक है, इज इक्वल टू। तो देखिए 0.03 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 3, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपके, तो आपका 100 हो जाएगा इंटू 1000, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल किया, 10 3 या 30, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में पूरा वीडियो में आपका हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।